रिसेंटली रशिया ने दुनिया के सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किए, ये बताने के लिए कि डिफेंस की फील्ड में ये नई जनरेशन में आ चुके हैं। पहला टेस्ट है जिरकॉन का, रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। ये ब्रह्मोस या फिर दुनिया के किसी भी मिसाइल से बहुत तेज है और व्लादिमीर पुतिन ने इसको नाम दिया है इनविंसिबल, एक ऐसा मिसाइल जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा ही। और दूसरा यहाँ पे टेस्ट हुआ है S-500 का। जी हाँ, 400 के बाद रशिया ने अब S-500 डेवलप कर लिया है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर नहीं है, इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। रशिया ओपनली डिक्लेयर करता है कि चाहे F-35 हो या फिर कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया का, इसको शूट डाउन कर सकता है। और उसके अलावा कई कंट्रीज ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा दिया इसको परचेज करने में। इस लाइन में सबसे आगे है टर्की। एर्दोगान ने यह कहा है कि ये चाहते हैं कि टर्की बने फर्स्ट बायर ऑफ S-500। और ये सब टेस्ट देख के ऑब्वियसली यूएस काफी नर्वस है। यूएस के हिसाब से रशिया यहाँ पे तैयारी कर रहा है यूक्रेन पे एक बहुत बड़े अटैक की। रशिया इन द फ्यूचर बहुत ही बड़ा एरिया यूक्रेन का फिर से कब्जा लेगा।